Hey guys, I'm Samir. You're watching me on my YouTube channel, Commerce Kiwani. We're in the second class of Share Capital chapter. And इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? शेयर कैपिटल का जो पहला क्लास हम लॉन्च किए थे कल के डेट में, उसका डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे. And we're approaching towards the MCQ part, the practical part of Share Capital chapter, which is very, very, very important. और सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न. सो आज के क्लास में हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स के तरफ धीरे 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 जाएंगे. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे मार्जिनल कॉस्ट में भी किए थे. मार्जिनल कॉस्ट में एक मास्टर सम बनाए थे जिसमें हमारा सारा डाउट्स क्लियर हुआ था. यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का कंसेप्ट हैं, वही कंसेप्ट को लेकर हम लोग आगे चलेंगे. सो बिफोर जस्ट स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्लास, I'd like to sincerely thank all my subscribers, and if you are new to my channel, who haven't yet subscribed to my channel, do hit the subscribe button and at the same time press the bell icon to receive further notifications, videos and updates like this. So let's just start the class. So concept number 6 तक last class कर चुके थे, concept number 7 से आज का class start कर रहे हैं. Okay. कंसेप्ट नंबर 7, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं जिसमें एमसीक्यूज. ये चैप्टर ऐसा है, इसमें एमसीक्यूज का पैटर्न या एमसीक्यूज का नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ सकते हैं. बहुत बड़ा चैप्टर है, सो स्लोली बट स्टेडीली विल अप्रोच टू दैट ऑल्सो. कंसेप्ट नंबर 7 क्या लिखा बेटा? कॉल सीन एरियस. ओके, सबको पता है कॉल सीन एरियस. जो जो ईजीएस्ट कंसेप्ट है उसको बस ब्रीफ अंडरलाइनिंग करके ही जाना है आगे, क्योंकि हमको टाइम मैनेज भी करना है. ओके, कॉल सीन एरियस हमको पता है, जब कोई कॉल कंपनी करती है विथ रेस्पेक्ट टू द शेयर्स टू बी इश्यूड टू द पब्लिक, और कॉल करने के बाद जो जो टाइम पीरियड कंपनी अलर्ट करती है कि विद इन दिस मच ऑफ टाइम आपको ये अमाउंट देना है, इफ एनी शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ दैट, तो आपका कॉल सिनेरियो अराइज होता है. ओके, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. ओके, ड्यू हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ. अब ये जो टू बी रिसीव्ड है, ये कहीं ना कहीं मेरे कंपनी के लिए एक अमाउंट है जो हम दूसरों से रिसीव करने वाले हैं, जो कि रिसीव नहीं हुआ, ड्यू हो चुका है. तो इस केस में कंपनी के पास एक ऑप्शन है इंटरेस्ट चार्ज करने का इसके ऊपर, शेयर होल्डर के पास से. ओके, ये जो इंटरेस्ट है ये मैक्सिमम हो जाएगा आपका 10% का पर एनम. ओके, जितना महीना या जितना पीरियड के लिए वो आउटस्टैंडिंग रहेगा उस हिसाब से उसको चार्ज किया जाएगा, टू बी चार्ज्ड बाय द कंपनी. सो दिस इंटरेस्ट इज नेसेसरीली एन इनकम फॉर द कंपनी. ओके, सो इंटरेस्ट का चार्ज हो गया, एंड कॉल सीनियर को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे बेटा? हमको जो पेड अप कैपिटल, ये हमारा एग्जांपल में वैसे भी कवर्ड हो चुका है, पेड अप कैपिटल से ये माइनस होके दिखता है. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 8 इज आर कॉल्स इन एडवांस. ओके, कॉल्स इन एरियर का जस्ट उल्टा. ओके, कॉल्स इन एडवांस में क्या है, जैसे आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स, इसका पैसा कंपनी अलग अलग डेट्स में शेयर होल्डर्स लोगों से मांगती है. कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन के टाइम पे अगर बाकी के पैसे दे देता है इन एडवांस बिफोर बिकमिंग ड्यू और बिफोर कॉल्ड बाय द कंपनी, तो उस केस में वो कॉल्स इन एडवांस है. तो जब तक ये रेस्पेक्टिव कॉल्स आया नहीं है, तब तक ये जो कॉल्स इन एडवांस जो पार्ट है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होके रहेगा. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग आउटलाइंड हियर, अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर बिफोर बिकमिंग ड्यू. ठीक है सर, अब जब कॉल्स इन एरियर का बात था, कॉल्स इन एरियर पे 10% का इंटरेस्ट था जो कि इनकम था, और यहाँ पे वो इंटरेस्ट हो जाएगा 12% पर एनम का. ओके सर, और ये जो इंटरेस्ट है इट विल बी एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी. ओके सर, ठीक है, क्योंकि हमको देना है, टू बी पेड बाय द कंपनी, एक्सपेंसेस हो गया. ये जो 12% है दिस इज द मैक्सिमम रेट. ये जो 10% है ना, यहाँ पे एक छोटा सा नोट किया मैंने, बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो रेट है ये रेट को वेव भी कर सकता है, मतलब माफ भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो रेट है. और इसमें 12% जो है दिस इज द मैक्सिमम रेट, इससे ज्यादा का रेट नहीं हो सकता एडवांस पे. ओके,
अब आता है हमारा मेन पार्ट जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में मैंने सब कैटेगरीज कर दिए हैं, आपको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में भी आ जाएगा। हम जैसे स्टडी स्टार्ट भी किए थे जब हम कैटेगराइज किए थे कि बल्क इशू हो सकता है, इशू ऑफ शेयर्स बाय इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकते हैं, तो सबका जर्नल एंट्रीज अलग अलग होता है, तो कहीं ना कहीं वो जर्नल एंट्रीज का आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है। एंड यस, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एक एग्जाम्पल में सारे जर्नल एंट्रीज कवर होंगे, सारे के सारे, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का रिजेक्शन वाला पार्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रोरेटा वाला पार्ट, सबको कंपाइल करके एक ही एग्जाम्पल है। सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट उसमें नहीं करेंगे और हमको क्लियर आइडिया भी मिल जाएगा। सो मूविंग अहेड, पहला जो हमारा पार्ट है वो है बल्क इशू। बल्क इशू में मुझे एक चीज पता है कि इसमें इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं होता, एक ही बार में कंपनी को सारा पैसा देना होता है। तो उस केस में हमको क्या करना है, पार में भी इशू हो सकता है, प्रीमियम में भी इशू हो सकता है, सीधा सीधा हमको, हम जब कैपिटल का इशू करेंगे और बल्क में पैसा हमारे पास आएगा, से फॉर एग्जाम्पल शेयर का प्राइस 10 रुपये, 10 रुपये पूरे एक बार में कंपनी मांगती है, नो इंस्टॉलमेंट्स। ओके, सो जितना पैसा कंपनी को मिल जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, और क्रेडिट क्या होने वाला है, कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इज द आंसर, ओके, इज द जनरल एंट्री। अब ये हो गया इश्यू एट पार का। सर प्रीमियम में भी हो सकता है, हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। ओके, डिस्काउंट में नहीं हो सकता, इन केस ऑफ ओनली स्वेट इक्विटी जहां पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं। सो प्रीमियम क्या है, फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में आप इश्यू कर रहे हो। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने लास्ट क्लास में बोला था, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, तो प्रॉफिट तो हमेशा क्रेडिट होना ही है। कैश से फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स अगर 10 रुपये में ही इशू किया आपने, वो पार है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, तो 1000 शेयर्स 10 रुपये करके 10,000, 10,000 आ गया। वही 1000 शेयर्स अगर आपने 20% प्रीमियम में इशू किया तो 10 का शेयर 12 रुपये हो जाएगा। 12 रुपये में 10 रुपये इज द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू और कैपिटल का पार्ट, बाकी 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट। सो सेम टू सेम हमने वही चीज यहाँ पे किया है। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2000, कैपिटल में 10,000, टोटल इज 10,000। सो ये बल्क इश्यू का बात था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जब शेयर इंस्टॉलमेंट में इश्यू करेंगे, पार प्रीमियम दोनों मिला के एग्जाम्पल्स हैं या जनरलिटीज हैं, अब ये जो जनरलिटीज हम लोग करने वाले हैं ना बच्चों, ये साइड में, सारे जनरलिटी के साइड में कुछ अमाउंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। डू नॉट कंसिडर दोज अमाउंट्स अभी, अभी नहीं देखना है। ओके, हमको पहले जनरलिटीज पे फोकस करना है। पूरा सीक्वेंस को अगर देखेंगे जर्नल एंट्रीज का, तो पूरा सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, पहले आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे, पब्लिक लोग प्रोस्पेक्टस देखेंगे, दे विल सब्सक्राइब। ओके, जब सब्सक्रिप्शन आता है तब आपके पास एप्लीकेशन मनी आता है, तो दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री टू बी पास्ड। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट किया हमने, टू शेयर एप्लीकेशन अभी पेंडिंग अलॉटमेंट है। ओके, ठीक है सर, अमाउंट नहीं देखेंगे अभी अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट बता ही देता हूँ, ये अमाउंट वो एग्जाम्पल का, जब वो एग्जाम्पल करेंगे उसके साथ को रिलेट हो जाएगा। सो डोंट चेकआउट दिस अमाउंट्स राइट नाउ। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन ये क्या लिखा है, रिजेक्टेड और रिफंडेड। ये तब होता है आइदर वो जो लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी फेल हो जाता है, ये नहीं कर पाता, वो सेबी का जो रिक्वायरमेंट है 90% वाला वो नहीं हो पाता, और ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब 10,000 शेयर्स इश्यू करना चाहा, एप्लीकेशन 11,000 का आ गया, तो इन दैट केस वो जो 1,000 का रहा एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आया, वो कंपनी रिफंड कर रही है या रिजेक्ट कर रही है। तो कंपनी अगर वो रिजेक्ट करेगी, उसका पैसा ले रख के क्या करेगी, तो इन दैट केस ओनली एप्लीकेशन मनी को रिफंड करने का जर्नल एंट्री आ सकता है। तो रिसीव करने का जो जर्नल एंट्री है, रिफंड करने का उसका उल्टा हो गया। ओके, अमाउंट अभी नहीं चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अब मैं बात करूंगा एप्लीकेशन को लेके, 3 जर्नलिटीज मैक्सिमम पॉसिबल है, ठीक है। क्या क्या जर्नलिटीज हो सकते हैं, 3 जर्नलिटीज, एप्लीकेशन मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिफंड किया अगर क्वेश्चन विल स्पेसिफाई, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, देन एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। सो ये जो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, इसका एंट्री थोड़ा सा टिपिकल है। जो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना,
ये सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी जब इंस्टॉलमेंट में इश्यू करती है, कंपनी इज हैविंग द ऑप्शन के आप एप्लीकेशन के टाइम पे भी मांग सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम, आप अलॉटमेंट के टाइम पे भी मांग सकते हो, इवन आप कॉल्स के टाइम पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम मांग सकते हो। ये कंपनी का डिस्क्रिशन है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अलॉटमेंट में ही क्वेश्चन गाइड करेगा कि अलॉटमेंट में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को मांगा, बट एप्लीकेशन में भी मांग सकता है। तो जब भी मांगे सर हमको क्या प्रॉब्लम है, जब भी मांगे क्वेश्चन में तो स्पेसिफाई कर ही देगा, जब भी मांगे सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री सेम होने वाला है, जब भी मांगे जिस स्टेज में भी मांगे उस स्टेज में उसका एंट्री कर देना है। सो इसीलिए यहाँ पे बस एक स्टार मार्क करके रख दिया कि इन केस एप्लीकेशन में ही अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया हो, तो जब एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम का अमाउंट भी आएगा। अमाउंट सभी नहीं देखेंगे प्लीज। ये हो गया एप्लीकेशन का तीन हमारा एंट्रीज। ओके, बेसिक एंट्रीज चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमारे पास तीन इंस्टॉलमेंट है तो अलॉटमेंट आएगा। एप्लीकेशन ऐसा इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू नहीं हो सकता, पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर हो जाता है। ओके, अलॉटमेंट वंस द एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड कंपनी हैज प्लान्ड और डिसाइडेड टू इश्यू शेयर्स टू दो शेयर होल्डर्स हु हैव अप्लाइड फॉर, उस केस में अलॉटमेंट ड्यू होता है। ओके, कंपनी एक डेट देती है कि इस डेट में अलॉटमेंट का पैसा भी मुझे चाहिए आपसे। ओके, इन दैट केस पहले ड्यू एंट्री होता है। तो ड्यू एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम हमने अलॉटमेंट में मांगा तो। ओके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। ठीक है सर, अमाउंट अभी नहीं देखेंगे, ये अमाउंट सारा चीज समझ में आ जाएगा, ये बस एंट्रीज को फोकस करें। सारे एंट्रीज वैसे भी सब लोगों को पता ही है, जस्ट इन केस नहीं पता हो या भूल गए हो, जस्ट एक ब्रशअप करा रहा हूँ। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये ड्यू एंट्री है। इसके बाद जाके रिसीव्ड एंट्री का बात करते हैं। ओके सर, ठीक है। अब रिसीव करने से पहले कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन में, ये जो एंट्रीज है दीज आर द ओवरऑल एंट्रीज, मैं जितना मैक्स पॉसिबल एंट्रीज हैं वो सबको कंबाइन किया हुआ है। ओके, तो सर ये कॉल सीनियर आपने एप्लीकेशन में क्यों नहीं किया, एप्लीकेशन बेटा ड्यू नहीं होता ना, एप्लीकेशन पहले रिसीव हो जाता है तो उसमें कॉल सीनियर का चांस ही नहीं है। वंस द रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स स्टार्ट बिकमिंग ड्यू, उस केस से ही कॉल सीनियर आ सकता है, इसीलिए एप्लीकेशन कभी भी एप्लीकेशन के टाइम पे कॉल सीनियर आ ही नहीं सकता। ओके, तो सर ठीक है, अलॉटमेंट में हमने ड्यू तो कर दिया, ठीक है, जितना भी शेयर्स था। अब अगर शेयर होल्डर कोई उसमें पैसा नहीं देता तो कॉल सीनियर होगा, हमने आज का कंसेप्ट में पढ़ा। अब ये जो कॉल सीनियर है इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसका कैसे एंट्री करेंगे, सर कॉल सीनियर जब भी होता है कॉल सीनियर को डेबिट करते हैं, ठीक है सर, क्यों, पैसा मिलने वाला है इसलिए। तो सर क्रेडिट किसको करेंगे, जो रेस्पेक्टिव कॉल है, अगर ये अलॉटमेंट का पैसा है, ध्यान से देखो बेटा ड्यू एंट्री पहले होता है। अगर मान लो मेरे पास 1000 शेयर्स थे तो 1000 शेयर्स पे मैंने पूरा अलॉटमेंट ड्यू तो कर दिया, अब इसमें से 100 शेयर्स ऐसे निकल रहे हैं जिस पे कॉल सीनेरियर हो रहा है, तो ये जो 1000 का अमाउंट पूरा शेयर अलॉटमेंट में मैंने दिखाया वो तो टोटल अमाउंट यू रिसीव्ड, कंपनी सोच रही थी इतना मिलेगा, बट वहां से अगर 100 शेयर्स का नहीं मिलेगा तो शेयर अलॉटमेंट से उतना पैसा हटाना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो कॉल सीनेरियर का बुकिंग जब हम करते हैं तो यही एंट्री होता है, कॉल सीनेरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ये अमाउंट रिसीव करने वाले हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड रेस्पेक्टिव कॉल। रेस्पेक्टिव कॉल मतलब शेयर अलॉटमेंट में भी एरियर्स हो सकता है, कॉल्स में भी एरियर हो सकता है। ओके सर, ठीक है, कॉल सीनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं। जब बच्चों ये एमसीक्यूज हैं इसलिए ये चीजें थोड़ा बताना जरूरी है। अब ये एमसीक्यूज में कैसे होंगे, आपको एक रेस्पेक्टिव केस दे देगा, अलॉटमेंट का पैसा दे देगा और बोलेगा कि इतना एरियर में है। तो ये जो अलॉटमेंट का, ध्यान से देखना बेटा, ये जो अलॉटमेंट का मनी रिसीव्ड है, ये अलॉटमेंट का मनी जब रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट जितना 1000 पे ड्यू हुआ था क्या उतना टोटल मिलेगा, नहीं, क्योंकि कॉल सीन एरियर वहां से हटाना है। तो दोनों को एडजस्ट करने के बाद, ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों को एडजस्ट करने के बाद जितना बाकी रहेगा, एडजस्ट करेंगे दोनों पार्ट को, ये दोनों पार्ट को एडजस्ट करने के बाद जितना बाकी रहेगा वही यहाँ पे रिसीव हो जाएगा।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये अपना शेयर अलॉटमेंट का रिसीव हो गया। अभी तक कैसे किया, एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन रिफंड किया अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एप्लीकेशन ट्रांसफर किया कैपिटल में, जितने भी सारे इंस्टॉलमेंट्स आएंगे धीरे धीरे एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल, सारा का जो फेस वैल्यू वाला पार्ट है, नॉमिनल वैल्यू वाला पार्ट है, वो कैपिटल में धीरे धीरे ट्रांसफर होगा। जब बल्क इश्यू करते थे एक ही बार में सारा मिल जाता था, एक ही बार में कैपिटल में जाता था, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो इंस्टॉलमेंट में कैपिटल में जाएगा। ओके, एप्लीकेशन का पैसा भी कैपिटल में जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा भी कैपिटल में जाएगा, कॉल का पैसा भी कैपिटल में जाएगा। लेकिन आपको बस एक चीज याद रखना है, कोई रेस्पेक्टिव कॉल में अगर कोई इंस्टॉलमेंट में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम हटा गया, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल में नहीं जाता। सिक्योरिटी प्रीमियम इज सेपरेट कैपिटल प्रॉफिट टू बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, इसलिए उसका अलग अकाउंट बनता है। तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट में दिया उसको हटा के बाकी वाला पार्ट कैपिटल में जाता है, दैट्स इट। ओके, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डन है सर, ठीक है। नेक्स्ट कॉल मनी, अब ये कॉल और अलॉटमेंट दोनों सेम टाइप के हैं, यहाँ पे भी ड्यू एंट्री सेम शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल हो गया, यहाँ पे एरियर हुआ तो अलॉटमेंट जैसे ही ट्रीटमेंट है, कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है सर। अब फाइनली जब शेयर कॉल मनी जब रिसीव करेंगे, अब ये कॉल सर आपने तो बोला फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉल होता है फाइनल कॉल, आप एक कॉल भी कर सकते हो। हम इस एग्जाम्पल में क्योंकि बार बार वही डुप्लीकेशन एंट्री होगा इसलिए एक ही कॉल करके रखा हुआ है। ओके, तो शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल अगर फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, सेकंड कॉल होगा तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल होगा तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ओके, कॉल सीनियर रेस्पेक्टिव वे में जहां पे भी आएगा कॉल सीनियर का सेम एंट्री जैसे अलॉटमेंट में किए थे। रिसीव जब करेंगे तो हर केस में क्या हुआ, ड्यू, कॉल सीनियर, रिसीव, कॉल सीनियर ऑप्शनल है, क्वेश्चन में देगा तभी जाके करेंगे। ओके, रिसीव जब करेंगे तो ऑब्वियसली जितना ड्यू किया और जितना कॉल सीन एरियर हुआ, इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद बाकी का रिसीट एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। ये हो गया फंडामेंटल एंट्रीज। अभी डोंट जंप ऑन टू कंक्लूजन कि फॉरफीचर हो जाएगा तो क्या होगा, फॉरफीचर अभी पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कंसेप्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हम फंडामेंटल एनालिसिस करें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एमसीक्यूज हैं। ओके, आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान से देखना ये एग्जाम्पल को, और ये एग्जाम्पल ऐसा होगा जिसमें इतना एनालिसिस मैं करा दूंगा कि आपको ये सब कंसेप्ट को लेके कभी भी डाउट नहीं हो सकता है। सो पे अटेंशन गाइस, ए लिमिटेड है, प्रोपोज टू इश्यू, मेरे पास 10,000 शेयर्स है, चलो ठीक है, ये हमारा मास्टर सम है, ऑफ रुपीज 10, ये है फेस वैल्यू, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, सो 10 रुपए का 10% इज 1 रुपए। ओके, दिस इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है सर। इनवाइट किया पब्लिक को, एप्लीकेशन का 4 रुपए, अलॉटमेंट का 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, सो अगर आप देखोगे और यहाँ पे 2 रुपए है, टोटल 11 रुपए हो गए, मतलब 10 रुपए का फेस वैल्यू, 1 रुपए का प्रीमियम, टोटल इश्यू प्राइस कितना हुआ, 11, तो इश्यू प्राइस हो गया 11 रुपए का और फेस वैल्यू हो गया 10 रुपए का, तो 1 रुपये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है जो कि अलॉटमेंट में मांगा गया है। सो वी कैन से 4+1, ये हमारा अलॉटमेंट का पैसा है, ठीक है, ये जाएगा कैपिटल में और ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं, बोला एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है, हमने 10,000 का इशू किया था, एप्लीकेशन आया 11,000 का, ठीक है बेटा, एंड द कंपनी रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन 1,000। तो अब कोरिलेट हो रहा है जो हम जनरल एंट्रीज एक एक करके पास कर रहे थे, मैं बोल रहा था आपको अमाउंट से इग्नोर करने के लिए, तो उससे कोरिलेट करेंगे। तो पहले पहला एंट्री हमारा क्या होता है एप्लीकेशन रिसीव का, तो 11,000 एप्लीकेशन आए हमारे पास। अब आराम से देखेंगे, ये एप्लीकेशन रिसीव का फर्स्ट एंट्री होता है, 11,000 शेयर्स 4 रुपए करके, एप्लीकेशन का 44,000 इज द अमाउंट। ओके सर, एप्लीकेशन रिसीव हो गया, उसमें से सर हमको तो देना है 10,000, हमारे पास 11,000 आ गया, तो एक्सेस एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो 1,000 जो है शेयर्स का एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट किया, तो 11,000 का एप्लीकेशन रिसीव किया था, 1,000 रिजेक्ट करोगे तो 1,000 का पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन रिफंडेड, 1,000 शेयर्स 4 रुपए करके 4,000,
ये रिफंड कंट्री हो गया। अब एप्लीकेशन में और तो कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन में ये दो एंट्री होने के बाद कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो जितना, अच्छा 44,000 मिला था, 4,000 हमने रिफंड किया, रिमेनिंग कितना है 40,000। एंड दिस 40,000 रिफ्लेक्ट्स 10,000 शेयर्स इनटू 4 इज इक्वल टू 40,000। ये जाएगा कहाँ पे? कैपिटल में। ओके तो नेक्स्ट एंट्री में हमारा वही था 10,000 इंटू 4 40 40। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट में बोला है क्वेश्चन में, अगर एप्लीकेशन में बोलता तो यहाँ पे हम एंट्री करते। तो एप्लीकेशन का पार्ट पूरा हो गया। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन में और क्या है, तीन एंट्रीज हो गए। ठीक है, वन शेयर होल्डर मिस्टर ए हु हेल्ड, मतलब 100 शेयर्स इसके पास था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 शेयर्स भी, ये जो 10,000 शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं, 10,000 शेयर्स टोटल कंपनी अलॉट कर रही है, इसी में ये 100 शेयर्स भी हैं। ओके सर, ठीक है। हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, ये एक जगह डिफॉल्ट किया यहाँ पे। ओके, एंड कॉल मनी, ये दो जगह डिफॉल्ट किया। सो सर बचा कितना? उसने ना अलॉटमेंट दिया, उसने ना कॉल दिया, मतलब ये दो जगह उसने डिफॉल्ट किया। सो कॉल्स इन एरियर जो है ये अलॉटमेंट में भी आएगा, कॉल में भी आएगा। सर व्हाट अबाउट एप्लीकेशन? उसमें कॉल्स इन एरियर होता नहीं है, और अगर उसने एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया होता तो 100 शेयर्स का एंटाइटलमेंट उसको नहीं मिलता। ओके, तो एक्सेप्ट मिस्टर ए, बाकी सबने दे दिया। सो एप्लीकेशन का तीन एंट्री हम कर चुके हैं। अब क्या है, अलॉटमेंट को ड्यू करना है। अलॉटमेंट ड्यू का क्या एंट्री हो जाएगा? अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। तो वही चीज, वही एंट्री यहाँ पे होने वाला है। ओके, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया, अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स 5 रुपये करके, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है 5 रुपये का है। ये है टोटल अलॉटमेंट का पैसा, जिसमें से अगर आप देखो 10,000 1 रुपये का जो अमाउंट था वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था, बाकी 4 रुपये का जो अमाउंट था वो आपका कैपिटल का पार्ट था। तो दोनों रेस्पेक्टिव अकाउंट में चले गए। अब यहाँ से आप देख सकते हो, हर अलॉटमेंट या हर कॉल के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू इज गेटिंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट जो था वो प्रीमियम में चला गया, अलॉटमेंट का ड्यू हुआ। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि अलॉटमेंट में एरियर भी है, एक मिस्टर ए करके कोई है जिसका, जिसके पास 100 शेयर्स था, उसने अलॉटमेंट में एरियर किया। सो एंट्री इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट सर 100 शेयर्स हैं, 5 रुपये करके अलॉटमेंट का ड्यू था, 5 रुपये ये नहीं दिया, सिंपल सा बात है, 500 500। सो आई कैन से नाउ अलॉटमेंट का टोटल पैसा जो ड्यू किया था कंपनी ने 50,000, उसमें से 500 तो नहीं मिलने वाला है, एरियर हो गया। तो रिमेनिंग जो बचा 49,500, ये हमारा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, दैट्स इट। ओके सर, हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी सेम टू सेम, पहले ड्यू होगा। ड्यू कितने पे होगा बेटा? बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि फॉर फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोचना, अभी जस्ट प्लेन रीडिंग चल रहा है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर होता है उसके बाद जाके फॉर फ्यूचर लिंक होता है, अभी इस क्वेश्चन में नहीं है। ओके, हम इसी क्वेश्चन को हर कंसेप्ट के साथ लिंक करते हुए जाएंगे, ऐड करते जाएंगे इसमें क्वेश्चंस और। ओके, ठीक है। शेयर कॉल का वो पहले ड्यू करना है हमको, तो ड्यू करने का सेम एंट्री, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर कॉल का अमाउंट कितना है यहाँ पे देख लीजिए, 2 रुपये का अमाउंट है शेयर कॉल का। तो जब ड्यू करेंगे 10,000 शेयर्स इंक्लूडिंग 100 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, पूरा ड्यू हो गया मेरा 10,000 का, 2 रुपये करके 20 20। ठीक है सर, अब इसमें कॉल्स ही नहीं रह रहा, 100 शेयर्स का 2 रुपये करके 200 200। अब 20,000 ड्यू हुआ था, 200 तो पेमेंट रिसीव होगा ही नहीं, तो बाकी अभी क्या है 19,800 रिमेनिंग जो बैलेंस बचा वो आपका बैंक टू शेयर कॉल अकाउंट है। सर ये तो हम लोग 12 से करते आ रहे हैं, आप एक्स्ट्रा क्या बताएं? एक्स्ट्रा इसके बाद का एनालिसिस है, ये आपका बेसिक जो जनरलिटीज थे, बेसिक जो कैलकुलेशंस थे उसके ऊपर पूरा पार्ट था। इसके बाद का जो एनालिसिस है वो आपका एमसीक्यूज में हेल्प करने वाले हैं। आई 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 रिपीट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को सही से बैठ गया दिमाग में तो एमसीक्यूज विल बी रिलेटिवली इजियर। और मैं ये कंसेप्ट को अभी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन जनरली फॉर फ्यूचर से ही आने वाला है, बट फॉर फ्यूचर में इफेक्टिवली सारा कैलकुलेशन सही से करने के लिए ये सारे जो कंसेप्ट हैं ना इन बिटवीन, इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है।
चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा एनालिसिस यहाँ पे मैंने किया है। अब एनालिसिस को बहुत ध्यान से, आप अगर ऊपर का क्वेश्चन नहीं भी देखे हो, ये एनालिसिस आपको बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, एनालिसिस। बेटा एक बात बताओ, एप्लीकेशन का पैसा फाइनली कहाँ गया? कैपिटल में। सर नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा एप्लीकेशन का गया? 4 रुपए कैपिटल में गया। डू ऑल एग्री टू दैट? ओके सर, ठीक है। अलॉटमेंट का भी पैसा कैपिटल में गया, डू एग्री? ठीक है सर। लेकिन सर 5 रुपए नहीं, 4 रुपए गया कैपिटल में। ठीक है सर, क्योंकि बाकी 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। कॉल का पैसा भी कैपिटल में गया, कितना गया? 2 रुपए गया। तीनों को टोटल करेंगे तो 10 रुपए होता है, जो हमारा फेस वैल्यू था, जितना कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए था हुआ, बट इंस्टॉलमेंट्स भी हुए। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह पे 10,000, इंक्लूडिंग 100 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, सबको कर दिया, तो टोटल जो ये आया बेटा, यही हमारा इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जो हमने पहले क्लास में बात किया था। इज इट ओके? ओके। अब जर्नल एंट्री जो हम करते हैं, नॉर्मल जो जर्नल एंट्री करते हैं, क्या होता है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल का जब जर्नल एंट्री करते हैं, 1 लाख 1 लाख यही करते थे हमने। सोल प्रोप्रेटरशिप में भी यही किया, पार्टनरशिप में भी यही किया, पार्टनर्स कैपिटल होता है वहां पे, बट एंट्री ओवरऑल यही होता है। अब यहाँ पे क्या है, होगा वही, इंस्टॉलमेंट्स में होते हैं, तो हर इंस्टॉलमेंट में एक पार्ट कैपिटल में जाता है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब इनकेस ऑफ शेयर इश्यूड बाय इंस्टॉलमेंट, आपने पहले एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफर किया 40,000, ठीक है, आपने अलॉटमेंट में कैपिटल को ट्रांसफर किया, ये भी 40,000, सर 50,000 था, बाकी 10,000 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में गया ना, कैपिटल में तो नहीं गया। शेयर कॉल में भी आपने कैपिटल में ट्रांसफर किया 20,000, ठीक है, टोटल मिला के 1 लाख होता, जो हमारा इश्यूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। ओके, अब कॉल्स इन एरियर का बात करते हैं। 100 शेयर्स थे मिस्टर ए वाले, 100 शेयर्स। ओके, ये जो 100 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट में एरियर हुआ है, ठीक है, कॉल्स में एरियर हुआ है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपने अलॉटमेंट में यहाँ पे 4 रुपए लिया, क्यों है सर? इसका तो 5 रुपए एरियर था। है 5 रुपए, हमने अगर आपने अगर ध्यान दिया होगा, कॉल्स इन एरियर में यहाँ पे 5 रुपए करके हमने पूरा एरियर को दिखाया है, शो किया है, अलॉटमेंट से हमने हटाया है, तो यहाँ सर 400 क्यों ले रहा हूँ मैं? आगे चल के पूरा समझ में आएगा ये। ओके, तो सर ये 400 फॉर द टाइमिंग, थोड़ा सा पॉज करें यहाँ पे, यहाँ पे 200 रुपये का था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, 600 रुपये आ गया। ठीक है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल तो हमको समझ में आ गया, कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? ये तो फुल्ली कॉल्ड है, कंपनी ने फुल्ली कॉल कर दिया, तो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा 10,000 शेयर्स, 10 रुपये करके 1 लाख, सो वही 1 लाख कॉल्ड अप भी है, जो 1 लाख इश्यूड एंड सब्सक्राइब था वही 1 लाख कॉल्ड अप भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमको कॉल्स इन एरियर माइनस करना होता है, ठीक है, माइनस करने के बाद जितना आता है वो आपका पेड अप कैपिटल होता है, तो कहीं ना कहीं कॉल्ड अप, पेड अप एंड इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इन तीनों का डिफरेंसेस है। ठीक है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमने पहले देख लिया, कॉल्ड अप कैपिटल सेकंड में देख लिया, अब पेड अप कैपिटल का बात करेंगे। जब भी पेड अप कैपिटल का कंसेप्ट आता है, हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर वहां से माइनस करते हैं। अब जब ये कॉल्स इन एरियर यहाँ पे जो माइनस करेंगे, आप अगर यहाँ पे 500 ले लोगे और यहाँ पे एज इट इज 200 लोगे, तो टोटल कितना होता है, 700। अब ये अगर यहाँ से माइनस करोगे, ये गलत होगा, क्योंकि ये 500 में 100 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग से एंट्री होता है, तो ये चीज बस ध्यान रहे। कॉल सीनेरियर है मैं मानता हूँ, लेकिन सारा का सारा लेके डिडक्ट नहीं कर देना है, आपको क्या करना है, जितने का कैपिटल का पार्ट है वो वहां से माइनस होके दिखेगा। इज इट ओके? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम देखेंगे, यही चीज मुझे बताना था, तो जो अमाउंट आया यहाँ पे, ये हो गया आपका 99,400। अरे कॉमन सेंस है, 1 लाख मेरा कैपिटल है इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है, क्या इसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं पे भी लिया है? हमने तो 10 का हिसाब किया,
लेकिन आप अगर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड कर दोगे और 500 का कॉल सी नीर दिखा दोगे, तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपये था तो 11 रुपये का हिसाब ले लिया आपने, आपने 10 रुपये का हिसाब नहीं लिया। कैपिटल इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर आप कैपिटल में इंक्लूड कर दिए तो फंडामेंटल एजम्पशन आपने गलत कर दिया। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमको इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारे चीजें कॉल सी नीड का कैलकुलेशन का चीजें और फंडामेंटल जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, ये सारा क्लियर हो चुका है हमारा ये एग्जाम्पल के साथ। ये एग्जाम्पल को मार्क करके रखें, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले कंसेप्ट में सारा इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम करने वाले हैं। आज के क्लास में जो कंसेप्ट थे, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच था, वो मैंने इनिशिएट किया। इसका नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेके और आगे जाएंगे, धीरे धीरे फॉर फ्यूचर एंड री इशू में आएंगे। तो मेन पार्ट हमारा फॉर फ्यूचर एंड री इशू है। सो दिस इज योर सेकेंड क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। टिल देन आपका क्या काम है, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड इन बिटवीन अगर आपका कोई डाउट्स, क्लैरिफिकेशंस वगैरह कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी चाहिए, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज फाइंड माय चैनल ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यू कैन ऑलवेज चेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।